उत्तराखंड दून अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कल प्राचार्य अन्य विभागाध्यक्षों के द्वारा एक रूटीन राउंड हुआ, जो हफ्ते में एक दो बार होता रहता है। उसमें जो भी खामियां पाई जाती हैं, उसका तत्काल निवारण किया जाए। साथ ही कहा कि अब अस्पताल द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि वेटिंग रूम में सभी डॉक्टरों के लिए एक टेबल लगाई जाए, जिस पर आपस में इमरजेंसी मरीजों को लेकर विचार विमर्श कर सके। और सभी डॉक्टर और अन्य स्टाफ को आदेश दिए गए हैं कि वो मरीजों के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये हमारा एक रूटीन, हमेशा एक हफ्ते में एक या दो बार इस तरह के राउंड्स होते हैं। इसमें कल प्राचार्य महोदय ने, हम सब लोग भी साथ में थे और सभी विभागाध्यक्ष भी थे, तो उनके साथ में राउंड हुए। तो उसमें जो जो कमियां पाती जा रही थी, उनका हाथों हाथ में एक उनको निवारण करने के लिए बोला गया है। और जैसे बताऊँ कि इमरजेंसी में अभी एक हम लोग जो इमरजेंसी में वेटिंग एरिया है, वहाँ पर सभी डॉक्टर्स के लिए एक बड़ा टेबल, जिसमें सभी डॉक्टर्स एक साथ बैठकर कंसल्ट कर सके इमरजेंसी मरीजों को, तो इस तरह का प्रोविजन करने जा रहे हैं। इसके अलावा फिर पीछे इमरजेंसी बिल्डिंग के पीछे में काफ़ी बड़ा स्पेस है, जहां पर मरीजों के बैठने के लिए बेंच पड़ी है। और अभी गर्मी और बारिश के मौसम को देखते हुए वहां कुछ शेड लगाने की बात है, जो कि मुझे उम्मीद है 15-20 दिन में हम लोग लगाने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा बाकी सभी डॉक्टर्स को, सभी सिस्टर्स और गार्ड को इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वे मरीज के साथ एक मधुर व्यवहार बना के रखें, और अगर कोई अग्रेशन हो रहा है किसी भी तरफ से, तो गार्डों को भी सचेत किया गया है कि वो अपना एक्शन जो भी है वो त्वरित लें, जिससे मामला आगे ना बढ़ पाए।